हर हर महादेव। दोस्तों, मनुष्य को जीवन में अपने दुश्मनों की पहचान करनी आनी चाहिए। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं वे कौन लोग हैं। जलनखोर लोगों से कभी न मांगे मदद। जो लोग लालची और जलनखोर होते हैं, वे दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। ऐसे लोगों से भूलकर भी कभी कोई मदद नहीं मांगना चाहिए। ऐसे लोग जलन के नशे में आपको बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोग ऊपर से दिखाएंगे कि वे आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके काम को खराब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की जीवन में कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। गुस्से वाले इंसान से भूल कर भी न मांगे सहायता। जिन लोगों में गुस्सा भरा होता है, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की दुश्मनी भी ठीक नहीं होती है। मतलबी इंसानों से बनाए दूरी। मतलबी लोग कभी आपका भला नहीं करेंगे। इस तरह के लोग आपसे मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रखेंगे। ऐसे लोग जीवन में अपने फायदे के अलावा किसी भी बात का विचार नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुहक देने से भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो इस कहानी को सुन लो, वरदान साबित होगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करते हुए कहता है, हे गुरुवर, वो कौन है जो हमारे जीवन में शांति लाता है। अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो गुरुवर कहते हैं, बेटा, तुमने देखा होगा, जब हम में से कोई भी विरोध करता है, क्रोध करता है, तो वो बेतहाशा बोलता है। वो चुप होने का नाम नहीं लेता और ऐसी अवस्था में हम हजारों शब्द बोल जाते हैं। हमें ये तक नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम तो केवल बस बोलते ही चले जाते हैं और ऐसी अवस्था में हमारे जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। और जब जीवन में अशांति उत्पन्न होती है, तब हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। लेकिन क्रोध के हजारों शब्दों के विपरीत मौन एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में शांति उत्पन्न कर सकता है, और वो उन क्रोध से भरे हुए उन हजारों शब्दों से अच्छा है, क्योंकि वो हमारे जीवन में शांति लाता है। इस पर वो शिष्य उन गुरुवर से फिर एक बार प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, वो शब्द कौन सा है। इसका जवाब देते हुए वो गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, वो शब्द कोई भी हो सकता है। दया, करुणा, प्रेम इत्यादि, इनमें से कुछ भी जो हमारे जीवन में शांति लाते हैं। उन गुरु के मुख से अपने प्रश्न का उत्तर जानकर वो शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने कामों में लग गया। अगले दिन वो गुरु और शिष्य एक नगर की ओर जा रहे थे। जाते वक्त उस शिष्य के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ और वो शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए क्या आवश्यक है। इसके जवाब में वो गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए हमारा खुद पर विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस मार्ग पर हमारा खुद पर विश्वास नहीं है, हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते। इसीलिए किसी भी मार्ग पर चलते समय हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन रास्तों पर हमें ही चलना है, कोई और हमारे मार्ग पर नहीं चलने वाला, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करके देगा। हमें जो करना है वो हमें स्वयं ही करना होगा। वो शिष्य अपने प्रश्न का उत्तर पाकर पूरी तरह से संतुष्ट था। इसके बाद वो गुरु और शिष्य मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। जैसे ही वो लोग कुछ दूर आगे बढ़े, तभी रास्ते में एक मंदिर था।
उस मंदिर में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, हे ईश्वर, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया, मैंने तुम्हें इतने चढ़ावे चढ़ाए, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज जब उन गुरु के कानों में पड़ी तो वो उस मंदिर में जा पहुँचे। उस व्यक्ति के करीब जाकर वो उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतना विरोध क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है। इसके जवाब में वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने इस भगवान के लिए क्या कुछ नहीं किया, पूजा की, व्रत किया, यहाँ तक कि तरह तरह के चढ़ावे भी चढ़ाए, और मैंने इनसे इतना ही चाहा था कि मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पिता मेरी माता मुझ पर गर्व करें, लेकिन ठीक इसका उल्टा ही हुआ, मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार सभी ने मेरा सारा धन धोखे से मुझसे लूट लिया, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी अब मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इस पर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा पहले मुझे ये बताओ कि तुमने किस किस से उम्मीद बांध रखी थी। इस पर वो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपनी प्रेमिका से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, सभी से उम्मीद लगा रखी थी कि वे लोग मेरा साथ देंगे, हर समय पर वे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, किंतु कोई भी आज मेरे इस बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं है। इसके जवाब में वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम भी बड़े अजीब हो, इतनी सारी उम्मीदें बांध रखी हैं और वो भी इंसानों से, और दोष भगवान को दे रहे हो, इसमें गलती तो तुम्हारी ही है, क्योंकि उम्मीदें केवल स्वयं से बांधनी चाहिए, किसी और से नहीं। इतना कहकर वो गुरुवर और वो शिष्य अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। वे लोग आगे जा ही रहे थे कि आगे चलते चलते अचानक एक युवक उन गुरु के चरणों में आ गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा था। इस पर वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु बेटा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और मुझसे मिलने क्यों आ रहे थे। इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपसे ज्ञान पाना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस पर वो गुरु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, परंतु पहले मुझे ये बताओ आखिर तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या क्या आता है। इसके जवाब में वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपसे पहले मैं चार चार गुरुओं का शिष्य रह चुका हूँ, उनका सारा ज्ञान मैंने समेट लिया है, उनसे जो कुछ सीख सकता था मैंने सीख लिया है, अब तो शायद ये भी हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी भी हूँ, हो सकता है कि मुझे आपसे ज्यादा ही पता हो। उस युवक की आवाज सुनकर वो गुरु जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इसमें हंसने वाली बात क्या है। इस पर वो गुरुवर उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा तो पाप हो गया, तुम्हारे भीतर का अहंकार साफ और स्पष्ट से झलक रहा है, अब भला तुम मुझसे क्या सीख पाओगे। इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने क्या गलत किया, यदि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ तो ये पाप कैसे हो सकता है। इस पर वो गुरु एक बार फिर से जोर जोर से हंसे और उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा सीखने की क्षमता विनम्रता से पैदा होती है, अर्थात जब आपके भीतर ये भावना होती है कि हमें नहीं पता, तब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, किंतु जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम भला क्या सीख सकते हो। इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैं आपसे सीख नहीं सकता।
इसके जवाब में वो गुरुवार उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम अवश्य सीख सकते हो, किंतु जैसे एक पानी से भरा हुआ घड़ा, यदि उसमें और पानी डाला जाए तो वो सारा पानी नीचे जमीन पर ही गिरेगा, किंतु यदि वो घड़ा खाली है तो उसमें पानी भरा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार तुम अपने सीखने की क्षमता भूल चुके हो, इसलिए सबसे पहले जाओ और सीखने की क्षमता प्राप्त करो। इतना कहकर वो गुरु और शिष्य वापस अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। वे दोनों अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ विद्वान आपस में बहस कर रहे थे। वो आपस में लड़ रहे थे, वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और उन दोनों की बहस का केवल एक छोटा सा मुद्दा था और वारे था ध्यान, प्रेम और ज्ञान। वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता था। तभी वो गुरु वहां पर पहुंचे और उसमें से एक विद्वान उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही बताएं, ये ध्यान, प्रेम और ज्ञान क्या है? हम में से कौन सच बोल रहा है? ये आप ही बता सकते हैं। इसके जवाब में वो गुरुवर उन दोनों विद्वानों से कहते हैं, बेटा मैं तो नहीं जानता कि आप में से कौन सच कह रहा है, ये तो आप ही जानते होंगे, क्योंकि हम खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाते, इसलिए मुझसे पूछने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने खुद में परमात्मा को देख लिया वो ध्यान है, जिसने दूसरों में परमात्मा को देख लिया वो प्रेमी है, और जिसने परमात्मा को सब में देख लिया वही जानी है। उन गुरु की ये बात सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान पूरी तरह से शांत हो चुके थे। गुरु की इन बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतना कहकर वो गुरु और शिष्य वापस अपने मार्ग में आगे की ओर पर चल पड़े। उन्होंने कुछ ही दूर का सफर तय किया था कि तभी उनके सामने दो व्यक्ति आ गए। वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे, किंतु वे दोनों एक दूसरे को कुछ इस प्रकार देख रहे थे मानो वो अभी एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। उन्हें देखकर शिष्य को समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों देख रहे हैं। तभी वो शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में वो गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा ये दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अपने गुरु के मुख से ये सुनकर शिष्य थोड़ा अचरज में पड़ गया और वो अपने गुरु से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये दोनों तो चुपचाप खड़े हैं, ये लड़ते झगड़ते दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं? तभी वो गुरु मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा झगड़ा करने के लिए केवल एक शब्द ही काफी है और उस शब्द का प्रयोग अभी तक इन्होंने नहीं किया है। इनमें से कोई भी अगर उस शब्द का प्रयोग करेगा तो इनके बीच अवश्य ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना शब्दों के आप अपना क्रोध तो प्रकट कर सकते हैं, किंतु बिना शब्दों के जो प्रेम प्रकट होता है वही सच्चा होता है। जहां आपको कहने की आवश्यकता पड़े वो प्रेम अधूरा होता है और झगड़ने के लिए एक ही शब्द काफी भी होता है। जैसे ही आप झगड़ा करने के लिए एक शब्द कहेंगे और उसके बाद हजारों शब्द प्रकट होने लगेंगे और उसके बाद वो बातें कहां से कहां पहुंच जाएंगी। इसी प्रकार इन दोनों में से अगर किसी ने भी किसी से भी कुछ भी कहा, कोई भी शब्द का प्रयोग किया, तो उनके बीच अवश्य ही झगड़ा होगा। किंतु अगर इनमें से किसी ने भी अपने आप पर नियंत्रण पा लिया और शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो वे लोग इस झगड़े से बच जाएंगे। वो गुरु अपनी बातें को कह ही रहे थे कि तभी उनमें से एक युवक दूसरे युवक से कहता है, घुर क्या रहा है, मारेगा मुझे, मार के दिखा। इस पर वो दूसरा युवक कहता है, दोबारा मेरे सामने आया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चला जा यहाँ से।
इसके बाद वे दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और एक दूसरे के साथ देखते ही देखते बातों बातों में वो भिड़ गए और कुछ ही समय बाद उन दोनों में हाथापाई भी हो गई। इसके बाद उन गुरु के आदेश पर शिष्य ने जैसे तैसे उन दोनों को छुड़ाया और फिर उन गुरुवर ने उन दोनों को समझा बूझकर उनके घर वापस भेज दिया और फिर वो शिष्य और गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले और देखते देखते अब वो उस नगर में पहुंच चुके थे। नगर में पहुंचने के बाद गुरुवर ने पहले ही दरवाजे पर भिक्षा मांगी। उस घर से एक औरत बाहर आई, उसने उन गुरु को बहुत सारे अपशब्द कहे, बहुत भला बुरा कहा और कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इस पर वो गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा इस दरवाजे को ध्यान से देखो, जिस प्रकार ये दरवाजा हमारे लिए आज बंद हुआ है, उसी प्रकार हम भी अपने मन के दरवाजे दूसरों के लिए बंद कर देते हैं। बिना ये जाने कि दरवाजे की दूसरी तरफ भी कुंडी लगी हुई है, अर्थात इस तरफ से भी दरवाजा बंद किया जा सकता है और हम में से अधिकांश लोग यही करते भी हैं। बिना ये जाने समझे कि यदि हम अपने मन के दरवाजे किसी के लिए बंद करेंगे तो दूसरा भी हमारे लिए अपने मन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा। किंतु हम तो अपने अहंकार में होते हैं और हम सोचते हैं कि कोई पहले दरवाजा खोलेगा तभी हम दरवाजा खोलेंगे, किंतु इस अहंकार में ना तो वो दूसरा व्यक्ति दरवाजा खोलता है और ना ही पहला, और देखते ही देखते दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाती है और फिर वो दोनों कभी करीब नहीं आ पाते। इतना कहकर वो गुरु और शिष्य आगे की ओर बढ़ चले। वो नगर में दूसरे द्वार पर भिक्षा मांगने जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो बहुत परेशान लग रहा था। वो अपने दुखों कभी इसे बताता तो कभी किसी और को सुनाता। वो ये बताना चाहता था कि वो बहुत दुखी है और वो सांत्वना ढूंढ रहा था। उस व्यक्ति ने उन गुरु और शिष्य को रोका और उन्हें अपने दुखों के बारे में बताया। देखते ही देखते उसने अपने सारे दुख उन गुरु को बता दिए और उसके बाद वो उन गुरु के मुख की ओर देखने लगा कि हो सकता है कि ये गुरु मुझे कुछ शांत बना दे, क्योंकि उसके कंधों पर इतना बड़ा दुनिया का जो बोझ रखा हुआ है। किंतु गुरु ने उसके सारे दुख तो सुन लिए पर उससे कुछ भी नहीं कहा। इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे कुछ कहते क्यों नहीं, आप मुझे शांत बनाते क्यों नहीं, आप मुझे ये क्यों नहीं कहते कि मेरे दुख खत्म हो जाएंगे। इस पर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, चाहे तुम इसको बताओ या किसी और को सुनाओ, ये काम नहीं होने वाला। इसलिए अपने दुखों पर रोना बंद करो और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। इतना कहकर वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़े। तभी शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, इस संसार में रहना कितना बड़ा चुनौती का काम है। एक दुखी व्यक्ति इस संसार में कितना परेशान रहता है, कभी पैसों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी व्यापार के लिए, तो कभी अच्छे जीवन के लिए। इस पर वो गुरु अपने शिष्य के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई और दूसरी चुनौती नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुश रहना इस दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है। तुमने इन चीजों पर कभी ध्यान दिया है, जहाँ पर दो लोग एक साथ होते हैं वहाँ मानो दो बर्तन आपस में टकराते ही रहते हैं, और जब वो दोनों बर्तन आपस में टकराते हैं तो आवाज तो होती ही है, साथ ही संघर्ष भी होता है। इसके बाद वो गुरु और शिष्य भिक्षा मांगकर वापस घर की ओर लौटने लगे। तभी रास्ते में उस राज्य का राजा उस मार्ग से होकर गुजर रहा था। जैसे ही उसने उन गुरु को देखा, वो रथ से उतरकर उन गुरु के चरणों में जा गिरा और दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में एक अजीब सा डर है, एक अजीब सी बेचैनी रहती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
मैंने इसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे समझा ना सका। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जवाब में वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हे राजन, ये जीवन है और जीवन ऐसा ही है। यहाँ हमेशा हर किसी को कुछ पा लेने की बेचैनी रहती है। कुछ भी पालो, कुछ भी प्राप्त कर लो, फिर भी वो हमेशा कुछ और पाना ही चाहता है, और उसके लिए मन में हमेशा एक बेचैनी बनी ही रहती है। और जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी हम प्राप्त कर चुके हैं, उसके को जाने का डर भी हमें सताता रहता है। बस यही तो जिंदगी है। उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनकर वो राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो अब मैं क्या करूं? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? इस पर वो गुरु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, समाधान तो है, किंतु थोड़ा मुश्किल है। इस पर वो राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे समाधान बताइए। समाधान चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य करूंगा। इस पर वो गुरुवर उस राजा को समाधान बताते हुए कहते हैं, हे राजन, समाधान बहुत ही सरल है। जिसने अपने मन से पा लेने की इच्छा निकाल दी, उसके मन की बेचैनी भी चली जाती है, और जिसने अपने मन से खो जाने का डर निकाल दिया, उसका डर भी खत्म हो जाता है। आगे वो राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आजकल मैं अपने राज्य को लेकर बहुत तनाव में रहता हूँ, आखिर ऐसा क्यों है? इसके जवाब में वो गुरुवर उस राजा से कहते हैं, हे राजन, जिस व्यक्ति का केवल एक ही चेहरा है, वो कभी तनाव में नहीं रहता, क्योंकि वो अपने एक ही चेहरे के साथ जैसा है वैसा ही रहता है। पर जिस व्यक्ति के हजारों चेहरे होते हैं और जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हमेशा तनाव बना रहता है। इसलिए आज से ही अपने सारे झूठे चेहरों को उतार कर अपने मूल स्वभाव में वापस लौट जाओ, वहां तुम्हें कोई तनाव नहीं होगा। इस पर वो राजा उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, ये कैसे संभव होगा? इसके जवाब में वो गुरुवर राजा से कहते हैं, हे राजन, शांत होकर जो व्यक्ति शांत हो गया है, उसका दिमाग इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है और वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने मन को शांत करो। जैसे ही तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारा तनाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो गुरु और शिष्य आश्रम की ओर बढ़े। तभी रास्ते में वो शिष्य उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, ये धोखा क्या है और कौन किसको धोखा देता है? इसका जवाब देते हुए वो गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, धोखा देने वाला ये सोचता है कि वो किसी और को धोखा दे रहा है, परंतु यदि वास्तविकता देखी जाए तो कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। जब भी कोई किसी दूसरे को धोखा देता है, तब वो वास्तव में अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। जैसे अगर कोई पत्नी अपने पति को धोखा देती है, तो वास्तव में वो अपने आप को धोखा दे रही है, अर्थात बुराई तो उसके मन में ही पैदा हो रही है, डर तो उसके मन में ही पैदा हो रहा है, कुंठा उसके मन में ही पैदा हो रही है, और इनके चलते वो अपने लिए अपने जीवन में दुखों को उत्पन्न कर रही है। और ठीक इसी तरह से अगर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो वो भी अपने आप को ही धोखा दे रहा है। इसलिए हमें अपने मन को जानने की आवश्यकता है। हमें अपने मन का विश्लेषण करना चाहिए, अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए, उसे ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक सीमित समय है, और इस सीमित समय का सदुपयोग करो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े और पश्चाताप के लिए भी आपके पास समय कम पड़ जाए। उन गुरु के मुख से ये सुनकर उस शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन गुरु के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पल पल धोखा दिया है,
मैं जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ और भिक्षा में जब मुझे कोई स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो वो मैं चोरी छुपे खा लेता हूँ। हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इस पर वो गुरु मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा स्वादिष्ट भोजन है तो उसे खाना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये बात और है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, किंतु तुमने अपनी गलती भी मान ली है तो ये अच्छी बात है। इस प्रकार से तुम अपने मन को जान सकते हो, उसका विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि यदि तुम अपनी गलती मानोगे ही नहीं, उसे स्वीकारोगे ही नहीं, तो तुम बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। लेकिन आज तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए तुम अब अपने मन का विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इतना कहकर वो गुरुवर शांत हो गए और वो शिष्य भी अब सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, किंतु हम अपने इन विचारों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते और इसी कारण हम अपने जीवन में जाने अनजाने दुख, तकलीफें और तरह तरह की परेशानियों को दावत देते ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है और हमारे विचार हमारे जीवन पर किस हद तक प्रभाव डालते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में यदि हम बार बार सोचते रहते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम जैसे भी लोगों के साथ रहते हैं, हमारी संगति वैसी ही बन जाती है। हमारी समझ, हमारे सोचने का ढंग भी ठीक वैसा ही हो जाता है। जिन लोगों के बीच हम रहा करते हैं, यदि व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है तो उसके विचार भी अच्छे होते हैं, उसका चरित्र शुद्ध होता है, और यदि विचार गंदे हैं तो चरित्र भी बुरा ही होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये अवश्य जान पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। आज हम में से हर कोई जहाँ कहीं भी है, जो कोई भी काम कर रहा है, वो सब अपने विचारों की वजह से ही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उनके कारण कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं ही हैं। हमारे विचार ही हैं। हमारे अच्छे और बुरे विचार किसी न किसी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते ही रहते हैं। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छा ही घटित होगा, किंतु यदि आप बुरा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आपके जीवन में दुख, तकलीफें और परेशानियां ही उत्पन्न होंगी। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि वो व्यक्ति नकारात्मक विचार रखता है, नकारात्मक सोच और समझ रखता है, तो अपने जीवन की दिशा को गलत और ही ले जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने भी अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से अपने मन में ऐसे कई सारे बीज बो रखे हैं, और उन बीजों का फल या तो हमें सुख दे सकता है या हमें दुख। अब ये आप पर निर्भर करता है, आपने अपने मन में किस प्रकार के बीज बो रखे हैं। यदि आपने अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो रखे हैं तो आप अवश्य ही खुश और सफलता प्राप्त करेंगे, किंतु यदि आपने अपने मन में नकारात्मक बीज बो रखे हैं, यदि आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है तो आप हमेशा ही असफल और दुखी रहेंगे। आज आप जिन लोगों को भी अपना आदर्श मानते हैं, जिन लोगों को भी आप सफल और महान देखते हैं, वे लोग उस मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखा है, उन्होंने अपना चरित्र ऐसा बनाया है और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने मेहनत की, उन ऊंचाइयों को छुआ है, और ये सब उनके विचारों का ही नतीजा है। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है।